हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, आरके स्कूल कुशाल बाजार से। आज मैं क्लास शिकन वालों के लिए मैथ लेकर आया हूं और पढ़ाऊंगा भी। लेकिन उससे पहले हम अपने अभिभावकों से निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए बुक अवश्य खरीदवा दें, क्योंकि बुक के माध्यम से ही पढ़ाई होनी है। और आप घर बैठ कर माने रंजीश सर के द्वारा जो ये आरके स्कूल में ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है, आप उसका लाभ ले सकें। और अपने आप को आप इस COVID-19 की महामारी से सुरक्षित रखें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो क्लास सेकेंड के बच्चे हैं वो अपनी मैथ की बुक जरा ओपन करें और एक्सरसाइज 1.2 देखें, पेज नंबर 12 पर। एक्सरसाइज 1.2 और पेज नंबर 12, हमने आपको ऐड तक बता दिया था कल, और ये भी कहा था कि जितना पढ़ाया जाता है आप उसे रोज फेयर कॉपी में नोट करते चलेंगे। और जो ये इंग्लिश लिखी है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट्स, जहाँ जहाँ आपको दिखता है उसे आप ब्लैक पेन से फेयर कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। बाकी सब ये आप पेंसिल से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट आपको देख क्या लिखा हुआ, पहले हम देखते हैं बुक में। देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्किल डिजिट्स। राइट द प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, प्लेस मतलब स्थान, वैल्यू मतलब महत्व, मतलब किस अंक का महत्व कितना है, किस स्थान पर है, वो आपको लिखना है। और वे किन अंक होगा, ऑफ द सर्किल डिजिट्स, जो अंक गोले में लिखे हुए हैं उसी का आपको लिखना है, ठीक है बेटा। तो अपने बुक में आप देखिए 64 में 4 में लगा हुआ है गोला, तो 4 का आप निकालेंगे, 4 का 4 ही होगा। लेकिन 32 में यहाँ 34 लिख दिए हैं, ये गलत है। आप अपने बुक में बना लीजिए यहाँ 30 होगा, ठीक है बेटा, 30 बना लीजिए। इसी तरह से मतलब आप पहले समझ लीजिए, अगर वंस के प्लेस पर है, पहले अंक का स्थानीय प्लेस वैल्यू आपको निकालना है, तो पहले अंक का प्लेस वैल्यू वही होता है, जहाँ 2 रहे, जहाँ 0 रहे, जहाँ 1 रहे, जहाँ 3 रहे, जहाँ 4 रहे, 5 रहे, जिस भी अंक का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, अगर वो वंस के प्लेस पर है तो उसका प्लेस वैल्यू वही होगा, ठीक है। अब यहाँ वंस और टेंस है, 32 है तो 30 हो जाएगा। यहाँ देखिए 96 है, 6 का लिखना है, 90 का लिखना है, तो 90 हो जाएगा। दूसरे का अंक का प्लेस वैल्यू 9 लिखने के बाद 0, 90, इसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। किस प्लेस पर है वो अंक, उसका महत्व आपको बताना है। जैसे यहाँ 1, 10, 15 है, लेकिन वंस का प्लेस वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 5, ठीक है। 60 0 लिख दिया, मतलब नहीं है, 60 है, 60 का 60 होगा, क्योंकि 6 का निकालना है। आप अपने पेंसिल लेकर के रेडी रहिए, जैसे मैं बताता हूँ अपने बुक में पेंसिल से आप भर देंगे, ठीक है, और इसी को फिर कॉपी में उतार दीजिए। अब यहाँ देखिए 11 में 1 का निकालना है, तो 1 का क्या होगा, 1 ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये वंस के प्लेस पर है। 82 कहाँ है, टेंस के प्लेस पर है, इसलिए 80 होगा। 76 7 कहाँ है, टेंस के प्लेस पर है, 70 होगा। 91 कहाँ है, वंस के प्लेस पर है, तो 1 होगा। 73 7 कहाँ है, टेंस के प्लेस पर है, 70 होगा। ऐसे आप फटाफट करते जाइए, ठीक है। अब आइए 54 4 कहाँ है, वंस के प्लेस पर, 4 होगा। 49 4 कहाँ है, टेंस के प्लेस पर, 40 होगा। 15 1 कहाँ है, टेंस के प्लेस पर, 10 होगा। 89 9 कहाँ है, वंस के प्लेस पर, 9 होगा। 28 2 कहाँ है, टेंस के प्लेस पर, 20 होगा, ठीक है बेटा। ऐसे आपको करना है, जैसे कोई कह दे कि बताइए 45 में 4 का प्लेस वैल्यू कितना है, 4 कहाँ है, तो 4 क्या बताएंगे, प्लेस वैल्यू 40 है। 5 अगर पूछते हैं 5 कहाँ है, वंस के प्लेस पर, तो 5 का प्लेस वैल्यू 5 ही होगा, ठीक है। अब इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और हम इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब बेटा आप आइए नेक्स्ट, इसके नीचे का सवाल जो है, इसके नीचे है एक्सपेंडेड द नंबर, एक्स
नंबर नंबर्स, ठीक है। एक्सपेंड माने होता है बड़ा करके लिखना है आपको विस्तार रूप में, हर अंक को अलग अलग, जैसे एक इन्होंने करके बताया है 75 हो गया, 24 हो गया, 46 है, 49 है। अब इसके सामने हम ना लिख करके जो सामने देते हैं 54 है, 86 है, 29 है और 59, ऐसे हमने लिखा है। इसी को आपको लिखना है एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड मतलब होता है विस्तार रूप, बड़ा करके हर अंक को अलग अलग, 75 में 70 अलग, 5 अलग। ऐसा नहीं करेंगे कि 7 अलग और 5 अलग कर देंगे, 75 टोटल हो जाएगा, 75 आपको लिखना है। ये कितना लिखा है, ये क्या है 75 है, जब आप अलग करेंगे तो 70 अलग हो जाएगा और 5 अलग हो जाएगा, ऐसे लिखने के लिए हम कह रहे हैं, ठीक है। अब ये 24 है, 20 आप अलग लिखेंगे और 4 अलग हो जाएगा। 46 है, 40 आप अलग लिखेंगे और 6 अलग लिखेंगे। 49 है, 40 आप अलग लिखेंगे, 9 अलग लिखेंगे, प्लस का चिन्ह आप लगा देंगे, ठीक है। ये होता है एक्सपेंडेड फॉर। अब यहाँ देखिए क्या है, 54 है तो 50 आप अलग ले लीजिए, 4 अलग ले लीजिए। 86 है, 80 अलग कर लीजिए, 6 अलग कर लीजिए। 29 है, 20 आप अलग कर लीजिए, 9 आप अलग कर लीजिए। 59 है, 50 आप अलग हो गया, 9 आप अलग हो गया, ये देखिए, ठीक है बेटा, ऐसे आपको लिखना है, ठीक। तो ये आपका हो गया पेज नंबर 12 का फर्स्ट और सेकंड दो सवाल, मैंने आपको बताया है, दोनों आप फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। अब जरा होमवर्क हो जाए, अब अपने आप कॉपी निकालो बेटा, होमवर्क नोट करिए HW, ठीक है। तो HW लिखिए, एक्सपेंडेड द नंबर, वही आपको लिखना है। ये है बेटा आपका होमवर्क, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वही आपको लिखना है। 72 है, 70 प्लस 2 हो जाएगा, 31 है, 30 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, यही आपका होमवर्क है, ठीक है ना। एक और लीजिए दूसरा, राइट द प्लेस वैल्यू, इसके पहले आप जो अभी पढ़े हैं उसी बात कर रहे हैं, राइट द प्लेस वैल्यू अंडरलाइन डिजिट्स। अंडरलाइन द डिजिट्स, ठीक है बेटा, जैसे मैं लिख दिया 75, 7 का निकालना है, 82 8 का निकालना है, 33 0 का निकालना है एंड 48 4 का निकालना है। इसके नीचे जिसके नीचे लाइन खींची हुई है उसी का प्लेस वैल्यू आपको निकालना है। अभी अभी आपने इसके पहले जो पढ़ा था वही चीज़ है, ठीक है।
आप इन दोनों सवाल को होमवर्क की कॉपी में नोट करेंगे, होमवर्क आप कंप्लीट भी रखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।